स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 में लेक्चर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने वेस्पर थ्योरी के पास्टुलेट्स पढ़े और उसी तरीके से उसका एक टेबल हमने पढ़ा। मैंने कहा था कि बच्चों, अगर आपको वो पास्टुलेट्स और टेबल तैयार हो जाता है तो इंशाल्लाह वेस्पर थ्योरी आपको क्लियर आ जाएगी। तो बच्चों, आज हम उसके एप्लीकेशंस की तरफ जा रहे हैं, तो इसको देखते हैं कि इसके एप्लीकेशंस पेपर में हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं चैप्टर नंबर 3 में। तो हम वेस्पर थ्योरी की एप्लीकेशंस पे आते हैं। बच्चों, जब भी कोई एप्लीकेशन आ जाए तो इसका बेहतरीन एक तो यह है कि पैराग्राफ की फॉर्म में भी इनकी एक्सप्लेनेशन की जा सकती है। इन एग्जांपल्स को आप पैराग्राफ की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है तो एक दो एग्जांपल या तीन एग्जांपल पेपर में पूछी जाती हैं। तो अब हम इसका पैराग्राफ की बजाय हम चाह रहे हैं कि इसे कॉलम की फॉर्म में लिख लें, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हमें कोई भी टाइप इनमें से कोई भी एग्जांपल एक्सप्लेन करनी होगी तो हम उसकी टाइप बताया करेंगे कि वो कौन सी टाइप है, किस टाइप का मॉलिक्यूल है। सेकेंड, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर उसके पास कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर उस मॉलिक्यूल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। सेकेंड, उसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर्स। फिर इसी तरीके से हम उसमें इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बताएंगे जी, लोन पेयर्स। और लोन पेयर के बाद नेक्स्ट हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ये एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हम उसके अंदर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एक्सप्लेन करेंगे, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, उस मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है। नेक्स्ट हम उसमें एंगल क्या होगा, इसका एंगल बताएंगे। तो ये सारी बातें बच्चों हम अगर एक मॉलिक्यूल के बारे में लिख देते हैं, अगर हम उसे पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दें या हम उसे कॉलम की फॉर्म में लिख दें तो वो मॉलिक्यूल एक्सप्लेन हो जाता है। सबसे पहले हम BF3 से शुरू करते हैं। बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं BF3 मॉलिक्यूल को अरेंज करें तो बच्चों BF3 आपको पता है इसका तल्लक सेकंड ग्रुप से है, बेरिलियम का तल्लक सेकंड ग्रुप से है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। जब इसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो ये बेसिकली BeCl2 जो है, ये जो इसका तल्लक सेकंड ग्रुप से है बेरिलियम का, तो इसलिए हम इसके साथ दो क्लोरीन लगा देते हैं। क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक शेयर कर रहा है। अब मैं आपसे कहता हूँ ये टाइप कौन सी है, तो सबसे पहले आप इसमें टाइप ऑफ मॉलिक्यूल अगर आप बताते हैं तो आप कहते हैं दो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास मौजूद हैं, दोनों बॉन्ड पेयर हैं, इसलिए ये टाइप होगी AB2 टाइप। अच्छा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, दो, दो इस साइड, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, एक इस साइड पर मौजूद है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अच्छा, बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर भी इसमें दो हैं। लोन पेयर कितने हैं, इसमें लोन पेयर जीरो हैं। अगर मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, इस तरह की अरेंजमेंट को हम बच्चों लीनियर बोलते हैं, इस तरह की अरेंजमेंट को हम लीनियर कहेंगे। और अगर मैं आपसे कहता हूं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है, तो जब लोन पेयर जीरो होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम होती है, इसलिए यह भी ज्योमेट्री लीनियर रहेगी। एंगल कितना होगा, हमने टेबल को याद किया हुआ है, इनके दरमियान जो मैक्सिमम एंगल बनेगा वो हमें पता है 180, क्योंकि सेंट्रल एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐसे अरेंज करेगा कि उनमें मैक्सिमम डिस्टेंस बने, तो इसमें एंगल जो होगा वो 180 होगा। तो ये एक BeCl2 का मॉलिक्यूल जो है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो बच्चों, नेक्स्ट हम इसमें, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके अंदर BeCl2 की जगह आप नेक्स्ट मॉलिक्यूल इसमें लिख दें HgCl2, तो बच्चों HgCl2 आपको पता है जो Hg है इसका तल्लक जो है वो हमारे पास फर्स्ट सेकंड B से है। तो अगर हम इसमें आते हैं तो यहाँ पे इसके पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, दो क्लोरीन के साथ ये शेयर कर रहा है। इस तरीके से मैं आपसे कहता हूँ इसकी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, तो आप कहेंगे AB2 टाइप। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आप कहेंगे जी 2, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री लीनियर, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लीनियर और एंगल 180 होगा। इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल सेम होंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहता हूँ CO2 का मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करें, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ था बच्चों, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी ए सिंगल बॉन्ड। ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका तल्लक
कार्बन का तलक फोर ग्रुप से है, इसके आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन हैं, इसने चारों शेयर किए हुए हैं, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो मैं आपसे कहता हूँ टाइप, तो आप कहते हैं कि डबल बॉन्ड को एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर, तो टाइप ए बी टू टाइप। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर दो, बॉन्ड पेयर दो, लोन पेयर जीरो, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री लीनियर, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लीनियर, एंगल 180। इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल के बारे में भी आप सेम इंफॉर्मेशन लिखेंगे, यानी डबल बॉन्ड को आपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर कंसिडर करना है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बच्चों कहता हूं कि नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास है BF3, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, तो BF3 के बारे में इंफॉर्मेशन हम लिखने लगे हैं। तो BF3 अगर मैं आपसे कहता हूँ BF3 को एक्सप्लेन करें, बोरोन का तलक थर्ड ग्रुप से है, इसके आउटर मोस्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन हैं, तीनों इसने शेयर कर लिए हैं, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। अब आप इसके बारे में बताएं कि ये कौन सा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, तो थ्योरेटिकली भी हम लिख सकते हैं कि ये टाइप ऑफ मॉलिक्यूल AB3 टाइप है, क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 1, 2, 3, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसलिए AB3 टाइप। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, इसको ट्राइंगुलर भी बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर भी बोलते हैं, तो मैं इसको लिखने लगा हूं ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री वो भी सेम रहेगी, ट्राइंगुलर, और एंगल क्या होगा, 120 होगा। आपको पता है कि जब तक लोन पेयर जीरो होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम रहती है। अब नेक्स्ट अगर हम आते हैं, इसमें मॉलिक्यूल हम चेंज करते हैं, BF3 की जगह मैं यहाँ मॉलिक्यूल चेंज कर देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ बच्चों पेपर में सपोज करें AlCl3 मॉलिक्यूल, AlBr3 मॉलिक्यूल एक्सप्लेन कर दें, AlBr3 ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल अपने आप को कुछ ऐसे अरेंज कर लेता है। अब मैं आपसे कहता हूँ टाइप कौन सी है, तो आप फिर भी कहेंगे AB3। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ट्राइंगुलर और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ट्राइंगुलर, एंगल क्या होगा, 120, एंगल इसके दरमियान भी 120 होगा। इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल भी एक्सप्लेन हो गया, ये भी एक्सप्लेन हो गया। जरा SO3 को देखते हैं बच्चों, सेंट्रल एटम हमारे पास है इस वक्त, इसके अंदर देखें तो सल्फर, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी ए सिंगल बॉन्ड या वन इलेक्ट्रॉन पेयर। हम SO3 को लिखें तो SO3 का ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें देखेंगे 1, 2, 3, तो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसके पास भी तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अब मैं आपसे कहता हूं टाइप AB3, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ट्राइंगुलर, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री वो भी ट्राइंगुलर, और एंगल 120। ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूल भी एक्सप्लेन हो गया। अच्छा, इसमें ना कुछ ऐसा केस भी एक्सप्लेन हो सकता है, जैसे मैंने साइड पे आपके सामने इस तरह का एक मॉलिक्यूल लिख दूँ, ये हमारे पास इस तरह का मॉलिक्यूल ले आता हूँ, SnCl2 का मॉलिक्यूल ले आता हूँ, फिर क्या करेंगे। तो अब हमारे पास अगर SnCl2 का मॉलिक्यूल आ जाता है तो इस केस में इसको देखते हैं, टिन का तल्लक आपको पता है बच्चों फोर्थ ग्रुप से है, और चार इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में हैं, दो इसने शेयर किए हुए हैं, एक इसके ऊपर लोन पेयर है। SnCl2 एक मॉलिक्यूल है। अब मैं आपसे कहता हूँ बच्चों टाइप कौन सी है, तो आप कहेंगे देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर तो इसके पास चार, तीन ही हैं, 1, 2, 3, इसलिए आप इसमें दो बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, तो AB2E हो जाएगा, इसकी टाइप हो जाएगी AB2E। इसकी टाइप हम लिख देंगे, ये हो गया जी दो बॉन्ड पेयर AB2E, ई क्या है, लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। अच्छा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर वो तो बच्चों हमारे पास तीन ही है। अच्छा, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर में अगर हम देखते हैं तो दो बॉन्ड पेयर हैं, इसलिए 2। अच्छा, लोन पेयर तो जो बॉन्डिंग मिस नहीं लेते, तो ये आपके पास लोन पेयर इसके अंदर 1 मौजूद है। इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री जिसको हम बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं, तो वो तो लाजमी बात है, टाइप जब तक रहेगी तीन इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे ट्राइंगुलर, जबकि अगर मैं आपसे कहता हूँ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, क्योंकि लोन पेयर के आने की वजह से इसके एंगल पे फर्क पड़ जाता है, क्योंकि लोन पेयर ज़्यादा जगह घेरते हैं, बॉन्ड पेयर के दरमियान एंगल डिक्रीज हो जाता है, लोन पेयर ज़्यादा एरिया पे फैल जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर सुकड़ जाते हैं, इनके दरमियान एंगल डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए इसकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है इसको लोग बेंड भी बोलते हैं, इसको लोग वी शेप भी बोलते हैं, ठीक है जी, बेंड भी कहते हैं, वी शेप भी कहते हैं,
इस तरह की आप इसको नाम दे सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट, अगर मैं कहता हूँ एंगल कितना होगा, तो लाजम बात है लोन पेयर आने से बॉन्ड पेयर के दरमियान, क्योंकि एंगल हमेशा बॉन्ड पेयर के दरमियान देखा जाता है, तो लोन पेयर आने से एंगल जो है वो डिक्रीज करेगा बॉन्ड पेयर के दरमियान, तो लेस देन 120 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ट्राइंगुलर इसकी अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन पेयर की, इस तरह के मॉलिक्यूल बहुत सारे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम एक और टाइप की तरफ जाते हैं कि नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास कोई इस तरह का मॉलिक्यूल आ जाता है जैसे CH4 है, तो बच्चों पेपर में आ जाता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CH4 ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो CH4 इसको अगर हम अरेंज करें, तो बच्चों CH4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कार्बन है उसके साथ चार इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में, चार ही उसने ऐसे शेयर किए हुए हैं, तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर अगर मैं आपसे कहता हूँ कितने हैं, तो आप कहते हैं जी हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसलिए टाइप इसकी बनेगी AB4, टाइप होगी AB4, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, एंगल क्या होगा, एंगल होगा जी 109.5, ये सारे एंगल इसके दरमियान जो होंगे वो 109.5 होंगे, ये एंगल इसके दरमियान होगा। ये हमारे पास AB4 टाइप मॉलिक्यूल एक्सप्लेन हो गया। इसका मतलब है CH4 के बारे में भी हमने लिख दिया कि CH4 ये है। अगर पेपर में आ जाता है SiCl4 का स्ट्रक्चर बताएं, तो हम SiCl4 को अगर एक्सप्लेन करें तो S सिलिकॉन का तलक 4 ग्रुप से है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, हमारे पास इसकी टाइप कौन सी होगी AB4, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे 4, लोन पेयर बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, एंगल 109.5, ये भी हो गया। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट मॉलिक्यूल NH3। बच्चों NH3 आ जाता है, तो NH3 का स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो NH3 का स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा यहां पे। अब मैं आपसे कहता हूं टाइप कौन सी है, तो आप इसकी टाइप बताएंगे, तो आप इसकी टाइप में जाएंगे तो यहां लिखेंगे, क्योंकि तीन बॉन्ड पेयर हैं एक लोन पेयर है, इसलिए AB3E कहेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, बॉन्ड पेयर इसमें बॉन्ड पेयर देखे तो बॉन्डिंग में हिस्सा लेने वाले 1, 2, 3, तो 3, लोन पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा वो 1, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इसको बच्चों हम बोलते हैं ट्राइगोनल पैरामाइडल, इसको सिर्फ पैरामाइडल भी लोग लिखते रहते हैं, पैरामिड भी लिखते हैं, ट्राइगोनल पैरामाइडल, ट्राइगोनल पैरामाइडल ये होगा। अच्छा एंगल क्या होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन बढ़ गई, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन बढ़ने की वजह से लोन पेयर ने ज्यादा जगह घेर लेनी है, जिसकी वजह से इनके दरमियान एंगल लेस हो जाएगा, लेस देन 109.5। एग्जैक्ट एंगल अमोनिया का हमें याद भी होना चाहिए 107.5, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है लेकिन इसका एंगल 109.5 से लेस क्यों है, तो आप कहेंगे क्योंकि देयर इज रिपल्जन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, जिसकी वजह से इसका एंगल डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि लोन पेयर आने से जो है वो रिपल्जन बढ़ती है और रिपल्जन बढ़ने से एंगल जो बॉन्ड पेयर के दरमियान एंगल होता है वो कम हो जाता है, तो इसलिए इसका एग्जैक्ट एंगल 107.5 है। अगर बच्चों इसी में केस आ जाता NF3, ये एक थोड़ा सा टेक्निकली चीज़, इसको भी देख लें कहीं आपको कन्फ्यूज ना कर रही हो, अगर इस तरह का मॉलिक्यूल आ जाए तो बच्चों इसका सेंट्रल एटम तो वही है, बाकी इंफॉर्मेशन वही है, टाइप भी हुई है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, लेकिन इसका एंगल जो होगा, इसका एंगल जो है वो लेस हो जाएगा, इससे भी लेस हो जाएगा, 102.5 हो जाएगा। ये एंगल इतना डिक्रीज क्यों हो गया, याद रखें बच्चों अगर सेंट्रल एटम बाज़ दफ़ा साइज में बढ़ेगा तब भी एंगल डिक्रीज करेगा, और अगर बाहर एलिमेंट जो है उसका साइज इंक्रीज करेगा या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे फ्लोरीन है इनके पास लोन पेयर होते हैं, इनसे भी एंगल जो है वो डिक्रीज करेगा और इसका एंगल 102.5 है। मैंने क्या बताया कि अगर मैं सेंट्रल एटम यहाँ चेंज कर दूँ उसका साइज बढ़ने से भी एंगल में डिक्रीज आता है, और साथ बाहर वाला एटम अगर साइज में इंक्रीज करेगा तो तब भी एंगल में डिक्रीज करेगा। तो ये इस तरह का केस कभी कभी आप किताब में पढ़े होते हैं तो वहाँ एग्जैक्ट, क्योंकि यहाँ हमारी बुक तो सिर्फ लेस देन के वर्ड
वर्ड यूज़ कर रही है, लेकिन इस तरह के एग्जैक्ट एंगल जो है वहाँ पे बाज़ दफ़ा हमें डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास हो गया, इसी तरीके से ये हो गया। मैं आपसे कहता हूँ PCL3 को एक्सप्लेन कर दें। तो बच्चों PCL3 फॉस्फोरस का तल्लक फिफ्थ ग्रुप से है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। आप उसी तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप कहेंगे इसके पास बॉन्ड पेयर भी टाइप है, ये AB3E और इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, बॉन्ड पेयर 3 हैं, लोन पेयर 1 है, टेट्राहेड्रल है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो हमारे पास ट्राइगोनल पैरामाइडल है, एंगल लेस देन 109.5 है, इसका एंगल भी लेस देन 109.5 होगा, लेकिन इसका एंगल जो है वो बच्चों अमोनिया से स्लाइटली कम होगा। वजह ये है कि फास्फोरस का साइज़ और जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, साइज़ बड़ा हो रहा है, साइज़ बड़ा होने से एंगल में स्लाइटली सा फ़र्क ज़रूर होगा। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर, हम एक्सप्लेन करते हैं वाटर का। तो बच्चों हम वाटर के अंदर अगर हम आएँ तो वाटर का स्ट्रक्चर ये होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर हम वाटर का बनाते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ टाइप कौन सी है, तो आप कहेंगे टाइप इसकी है जी AB2E2, इसकी टाइप बनेगी AB2E2। देखें दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, अच्छा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, बॉन्ड पेयर कितने होंगे 2 होंगे, लोन पेयर कितने होंगे 2 होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी, जबकि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो आपके पास बेंट है या एंगुलर है या वी शेप्ड है। ठीक है, इसको हम बेंट भी कहते हैं, एंगुलर भी कहते हैं, वी शेप्ड भी कहते हैं। और इसका एंगल क्या होगा, इसका एंगल जो है वो लेस देन बुक ने लिखा हुआ है 109.5, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ नेक्स्ट इसका एग्जैक्ट एंगल क्या है तो 104.5। अमोनिया से भी एंगल कम हो जाएगा। वजह क्या है बच्चों, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्जन है, जितनी रिपल्जन बढ़ेगी बॉन्ड पेयर के दरमियान एंगल और कम हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपसे कहा जाए कि CH4 है वो भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर रखता है, अमोनिया है उसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वाटर है उसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इनके एंगल क्यों फ़र्क हैं, तो आप कहते हैं मीथेन के अंदर रिपल्जन नहीं है क्योंकि वहाँ बॉन्ड पेयर मौजूद हैं, जबकि अमोनिया के केस में अगर हम आते हैं तो उसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन है, जबकि हम वाटर के अंदर आते हैं तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्जन सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एंगल सबसे कम हो जाता है, और यहाँ एंगल 109.5 आने के बजाय लेस देन 109.5 हो जाता है, जिसको हम एग्जैक्ट 104.5 भी बोल रहे होते हैं। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं आपसे कहता हूँ ये स्ट्रक्चर बज़ाहिर तो इससे मैच कर रहा है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही है बच्चों ये हमारे पास, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास अगर इस मॉलिक्यूल को हम अरेंज कर दें तो ऐसे अरेंज कर सकते हैं। बातें तो वही हैं वाटर वाली, AB2E2 है, टाइप भी वही है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर सारे सेम हैं, लेकिन एंगल इसका जो है वो आपको पता है कि क्योंकि सल्फर का साइज़ बड़ा हो गया है, तो साइज़ बड़ा होने की वजह से बच्चों इनके ऊपर लोन पेयर ज़्यादा एरिया पर जब फैल रहे हैं तो एंगल जो है वो 92 होता है इसका एंगल। इसलिए देख लें बज़ाहिर हमारी बुक में तो लिखा हुआ है कि एंगल लेस देन 109.5, लेकिन एग्जैक्ट एंगल जो है H2S के केस में 92 होता है, जबकि NF3 के केस में हम एंगल जब देखें तो 102.5 आता है, जबकि आना तो अमोनिया की तरह होना चाहिए था 107.5 आना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि मैंने कहा था सेंट्रल एटम का साइज़ बढ़ेगा या बाहर वाले एटम का साइज़ बढ़ेगा, एंगल में डिक्रीज आएगा। ये हमारे पास इस तरह का केस है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों PCl5 की तरफ हम जाते हैं। तो PCl5 का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो PCl5 ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये आप समझ लें आपने सीलिंग फैन बना दिया, उसके तीन पर बना दिए, एंगल इनमें 120 है, और एक ऊपर आपने उसका आप समझ लें कि उसको आपने छत के साथ लगा दिया, तो ये एंगल जो है इसका इसके पर के साथ 90 है, एक इसके नीचे भी ऐसे लगा दिया इसका एंगल और इस क्लोराइड का और इसका 180 है। तो मैं आपसे कहता हूँ बच्चों ये बताओ ये टाइप कौन सी है, तो आप सबसे पहले तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर देखो, तो आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने नज़र आ रहे हैं बच्चों 5, तो इसलिए टाइप आप लिखेंगे इसकी जो टाइप होगी AB5 होगी। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे 5, बॉन्ड पेयर कितने होंगे 5, लोन पेयर कितने होंगे 0, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या होगी 3 कोने हैं बच्चों, इसलिए ये देखें तो आपके पास 3 कोने हैं, 3 कोने हैं तो इसलिए इसका नाम होगा ट्राइगोनल, ऊपर नीचे ग्रुप है तो बाय पैरामाइडल, इसका नाम होगा ट्राइगोनल बाय पैरामाइडल, ये नाम होगा। और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी वो भी यही होगी। एंगल क्या होगा इसमें, एंगल होगा जी 90 भी होगा, 120 भी होगा और 180 भी होगा। तो ये एंगल हमारे पास इसके एक्सप्लेन हो गए। आखिरी एग्जांपल बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट हम SF6 मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करते हैं। इसको भी ज़रा देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल अगर पेपर में आ जाती है एक्सप्लेन करने को तो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट हमारे पास है NF3, इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। NF3 का सेंट्रल एटम सल्फर है बच्चों, उसके साथ पहले तो 90 के एंगल पे ये चार ग्रुप आपस में लगे हुए हैं, इनमें एंगल 90 है, ये 90 के एंगल पे चार ग्रुप लगे हुए हैं, एक ऊपर ग्रुप लगा हुआ है, एक इसके नीचे ऐसे ग्रुप लगा हुआ है, ये आपके पास स्ट्रक्चर है। इसलिए इस तरह की अगर हम कोने बनाए इसके, तो बच्चों इसके चार कोने हैं, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो आप कहेंगे जी 5, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हैं, तो AB6 टाइप, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हैं, बॉन्ड पेयर 6 हैं, लोन पेयर 0 हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, इसको बच्चों टेट्रागोनल बायपिरामिडल भी पढ़ते हैं, जिसको हम ऑक्टाहेड्रल भी लिखते हैं, ऑक्टाहेड्रल, इसको टेट्रागोनल बायपिरामिडल भी कहेंगे। लोन पेयर 0 हैं, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी यही होगी। एंगल इसमें आपको पता है कि इनके दरमियान एंगल जो होगा इस तरह का एंगल है, ये आपस में पड़े हुए हैं, तो 90 का एंगल इनके दरमियान बन रहा है, ये 90 का एंगल है, इनके दरमियान 90 का एंगल है, ऊपर वाले का इसके साथ एंगल भी 90 का है, और फिर इस फ्लोरीन का इस फ्लोरीन के साथ जो एंगल है वो 180 है, तो इसमें एंगल जो है वो 90 और 180 एंगल मौजूद है। तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।